महाराष्ट्र की शिक्षा मंत्री ने शुक्रवार को घोषणा की कि इस साल SSC का परिणाम शारीरिक बोर्ड परीक्षा के अभाव में कक्षा 9वीं और कक्षा 10वीं की आंतरिक परीक्षा में छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर रिजल्ट घोषित किया जाएगा। महाराष्ट्र में कक्षा 10वीं के छात्रों के लिए परीक्षा पहले कोविड-19 महामारी की मौजूदा स्थिति को देखते हुए और छात्रों और कर्मचारियों के सदस्यों की सुरक्षा और भलाई को ध्यान में रखते हुए रद्द कर दी गई थी। इस दौरान वर्षा गायकवाड़ ने यह भी सूचित किया कि राज्य जून के अंत तक महाराष्ट्र SSC परिणाम 2021 की घोषणा करने का प्रयास करेगा। आगे उन्होंने कहा कि हम जून के अंत तक परिणाम घोषित करने की कोशिश करेंगे। गायकवाड़ ने कहा कि जो छात्र अपने परिणामों से संतुष्ट नहीं है वे बाद में परीक्षा लिख सकते हैं। यंदा 10वीच्या अंतर्गत मूल्यमापना संदर्भामध्ये आणि 11वीच्या प्रवेशा संदर्भामध्ये आज आम्ही निर्णय घेतलेला आहे आणि त्याच्यामध्ये यंदा 10वीच्या अंतर्गत मूल्यमापना संदर्भामध्ये निर्णय घेत असताना राज्य मंत्रिमंडळाने 10वीचा अंतर्गत मूल्यमापनाचे वेगळे आदेश काढावे आणि सर्व विद्यार्थ्यांना 11वीमध्ये सरसकट पास करून त्यांना प्रवेश देण्यात यावा या संदर्भामधला निर्णय घेतला होता आणि त्यानुसार आपण 10वीचे अंतर्गत मूल्यमापनाचे मार्क देत असताना 9वी इयत्तेचे जे मार्क होते त्यांना आपण 50% विषय निहाय जे आहे ते वेटेज दिलेले आहे आणि 10वीचे जे अंतर्गत परीक्षा झाले आहेत त्यांना आपण 30% वेटेज आणि तोंडी किंवा होम असाइनमेंट किंवा प्रॅक्टिकल एक्झामिनेशन यांना 20% असं 50% 10वीच्या मार्कांना आपण अंतर्गत जे आहे ते वेटेज दिलेले आहे आणि मला सांगायला पाहिजे असं आपण 100% जे वेटेज आहे ते 50% 9वी आणि 10वीच्या मिळून आपण देण्याचा आपला या जीआरच्या माध्यमातून आपण घोषित करत आहोत। महाराष्ट्र सरकार ने इस सप्ताह की शुरुआत में बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया कि बोर्ड SSC या कक्षा 10वीं के छात्रों के मूल्यांकन के मानदंडों पर जल्द ही फैसला करेगा। स्कूली शिक्षा मंत्री वैशा गायकवाड़ ने पहले कहा था कि हितधारकों के साथ बैठक के बाद एक निष्पक्ष और सटीक मूल्यांकन मानदंड तैयार किया जाएगा। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ दिशा हटवार BCN न्यूज नागपुर।